नेक्स्ट चलते हैं टर्की को पढ़ते हैं, एंशियंट टर्की, या इसका हेडिंग है एंशियंट पोंटस। अब हम 300-400 बीसी से 100 बीसी की तरफ आ गए हैं। तो अबाउट 100 बीसी के अंदर जो है वो पोंटस दरअसल है क्या, पोंटस जो मौजूदा टर्की है ना उसका नॉर्थन पार्ट था और है भी। इसका इन 100 बीसी के अंदर पोंटस का जो किंग था उसका नाम था मैथ्रीडेट सिक्स। ये इसने एक तो सारी जिंदगी जो सबसे बड़ा काम किया वो रोम के साथ जंग की, दूसरा सबसे बड़ा काम किया जिस वजह से हम इसे फार्मेसी हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो ये किया कि इसने पॉइजन और एंटीडोट पे बड़ी कमाल की रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन की। इसने वो मेथड सारे फाइंड आउट किए कि किसी भी ड्रग को उसके पॉइजन या किसी भी जो पॉइजन है उसकी को से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे हो सकती है, और अगर हो गया पॉइजन यानी किसी बंदे ने खा लिया या उसकी किसी भी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच गया तो, या उससे पहले यानी कि कैनाल के अंदर मौजूद है, उसकी फूड कैनाल के अंदर मौजूद है, तो उसको डिटॉक्सिफाई कैसे करना है, ये सबसे पहले हिस्ट्री में मैथ्रीडेट सिक्स जो किंग ऑफ पोंटस शहर का किंग था उसने पॉइजन और एंटीडोट का कॉन्सेप्ट दिया था और उस पर बहुत ज्यादा वर्क भी किया। कैसे वर्क किया है देखते हैं। इसने अपने आप को और अपने कैदियों को एज ए गिनी पिग के तौर पे इस्तेमाल किया। गिनी पिग का कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले किसी जमाने के अंदर ना गिनी पिग्स एज ए एक्सपेरिमेंटल एनिमल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, तो वक्त के साथ साथ जो है वो गिनी पिग्स खत्म होते चले गए, जंगली जो है वो गिनी पिग्स अवेलेबल नहीं है, आजकल पेट की शक्ल में मौजूद है। तो आज के दौर में हम क्या कहते हैं, आज के दौर में सिर्फ कॉन्सेप्ट बाकी रह गया गिनी पिग्स का कि कोई भी ऐसा एनिमल या कोई भी ऐसा इंसान जो एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उसके लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो गिनी पिग के इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी पर्सन को हम कहेंगे ये हमारे पास ये हमारे इस क्लिनिकल ट्रायल के अंदर गिनी पिग है, उसका मतलब क्या है कि वो पर्सन के ऊपर ट्रायल्स हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो रही है। तो ये अपने आप को और अपने कैदियों को एज ए गिनी पिग के तौर पर इस्तेमाल करता था और टेस्ट करता था पॉइजन को और एंटीडोट को। और इसका सबसे जो मशहूर जमाना फार्मूला है उसको कहते हैं मैथ्रीडेटम, जिस जो कि हजारों साल तक बाद में जो है वो मशहूर भी रहा और इस्तेमाल भी होता रहा। इसके अंदर मौजूद क्या है, तकरीबन 65 इंग्रेडिएंट पे मुश्तमिल ये फार्मूला है। ये तकरीबन ऑलमोस्ट हर पॉइजन के अगेंस्ट इस्तेमाल होता था, इसीलिए तो इसे जादुई फार्मूला के नाम से भी याद किया जाता है। तो लेकिन आज के दौर में नहीं, इस आज हमारी सदी या इससे पहले 3-4-5 सदियां पहले ये इस्तेमाल नहीं होता, इससे पहले तक काफी सालों तक काफी सदियों तक ये काबिल इस्तेमाल रहा। आज क्यों इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि हमारे पास आज के दौर में हर चीज मौजूद है। हमें एग्जैक्ट पता है कि पैरासिटामोल का जो एंटीडोट क्या है, हमें एग्जैक्ट पता है वारफेरिन का एंटीडोट क्या है, हमें एग्जैक्ट पता है कि किसी भी एपीआई का एंटीडोट क्या है। हमने ना सिर्फ उसे आज के दौर में डिस्कवर कर लिया बल्कि आज के दौर के अंदर उसे सोर्स से लेके मार्केट में अवेलेबल भी चीज है, इजीली अवेलेबल है, तो इसलिए फिर आज के दौर के अंदर जो है इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन उस दौर के अंदर जब हम बात कर रहे हैं 100 बीसी के अंदर, 150 बीसी, 200 बीसी के जब बात करें हिस्ट्री में, तब तो ये बड़ी बहुत बड़ी यानी एक जादुई शक्ति के तौर पे समझा जाता था इसे और इस्तेमाल होता था, लोग इस्तेमाल करते थे कि उसे नहीं पता कि अगर उसने कोई जड़ी बूटी खा ली है या कोई वो जहर ले ली है या किसी भी वजह से, तो उसको एज ए एंटीडोट के तौर पे ये मैथ्रीडेटम इस्तेमाल होता था। तो ये इसका सबसे बड़ा जो है वो कारनामा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकॉन टू गेट मोर एंड लेटेस्ट वीडियोस, शेयर विद आवर स्टूडेंट फैमिली ऑफ फार्मेसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।